उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। कंपनी निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जानने में, प्रवर्तक और कंपनी के प्रवर्तन के बारे में बताने में, शेयरों और समझौते की अवधारणा और प्रक्रिया को समझने में, पूंजी अभिदान और पेशेवरों की नियुक्ति के बारे में जानने में, संस्थापन प्रलेख, अंतर्नियम और समामेलन प्रमाण पत्र से परिचित हो सकेंगे। कंपनी का निर्माण। परिचय। व्यापार का विस्तार होने से उसे संभालने की जटिलता बढ़ जाती है। औपचारिक संगठनात्मक सेटअप ये जटिलता संभालने में मदद कर सकता है। कंपनी ऐसा ही संगठनात्मक सेटअप प्रदान करती है। कंपनी क्यों? व्यापार के विस्तार में धन का विशाल निवेश शामिल होता है। ऐसे उत्पाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उस उत्पाद के विपणन के लिए होता है। कंपनी निर्माण से इन मुद्दों से निपटने में मदद मिलती है, खासकर मध्यम और बड़े आकार के संगठनों के लिए। कंपनी से प्रतिस्पर्धा, तकनीकी उन्नति और निवेश आवश्यकताओं को संभालना संभव होता है। लेकिन कंपनी बनाने के लिए कई औपचारिकताएं होती हैं। कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण एक कदम दर कदम प्रक्रिया है। इसमें किसी व्यवसाय के विचार का जन्म, उस विचार की व्यवहार्यता पता लगाना, कंपनी को पंजीकृत कराना और अंततः कंपनी के माध्यम से व्यापार परिचालन शुरू करने जैसे कदम शामिल होते हैं। कंपनी निर्माण की प्रक्रिया में कई कानूनी मुद्दों और औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। कंपनी बनाने के लिए व्यक्ति को कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों का पालन करना होता है। तीन चरण। कंपनी निर्माण के चरणों को व्यापक रूप से तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा पूरा किए जाने वाले कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। तीन चरण हैं, एक प्रवर्तन, दो समामेलन और तीन पूंजी का अभिदान। निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों के लिए ये चरण समान होते हैं। कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी निर्माण का पहला चरण कंपनी का प्रवर्तन है। प्रारंभ। किसी कंपनी का प्रवर्तन विचार पैदा करने वाले किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या कंपनी के साथ शुरू होता है। एक बार विचार के संभावित व्यावसायिक अवसर की कल्पना होने के बाद, वे इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक कंपनी शुरू करने का फैसला करते हैं। इस प्रकार उन्हें कंपनी के प्रवर्तकों के रूप में जाना जाता है। प्रवर्तक। प्रवर्तक या प्रवर्तक गण देखते हैं कि उनका विचार भलीभूत होगा। कंपनी के माध्यम से वे अपने विचार को सफल बनाते हैं। लोगों, सामग्री, उपकरण, धन आदि की आवश्यकता को उनके द्वारा संभाला जाता है। वे कंपनी को नाम देने, आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त करने और अंततः कंपनी शुरू करने का ख्याल रखते हैं। एक बार कंपनी की स्थापना हो जाने के बाद, वे लगातार उसकी व्यावसायिक संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं और संगठन जारी रखते हैं।
कानून के अनुसार परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 के तहत प्रवर्तक है, जिसे प्रविवरण में इस प्रकार नामित किया गया है, या धारा 92 में वार्षिक विवरण में कंपनी द्वारा पहचाना गया है, या जिसका कंपनी के मामलों पर नियंत्रण है, सीधे या शेयरधारक, निदेशक या अन्यथा के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से, या जिसकी सलाह, दिशा निर्देश या निर्देशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए अभ्यस्त किया जाता है। हालांकि ये प्रावधान होता है कि इस उपधारा में कुछ भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो केवल पेशेवर क्षमता में काम करता है। प्रवर्तक के कार्य। कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी के प्रवर्तक या प्रवर्तकों की विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं। निम्नलिखित उनके कार्य हैं। व्यावसायिक अवसर की पहचान। प्रवर्तक का पहला कार्य किसी सेवा या उत्पाद से संबंधित व्यावसायिक अवसर की पहचान करना है, जिसमें निवेश की संभावना है। फिर अवसर की उसकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए विश्लेषण किया जाता है। व्यवहार्यता अध्ययन। ये देखने के लिए कि क्या व्यवसाय का अवसर लाभदायक हो सकता है या नहीं, प्रवर्तक विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न व्यवहार्यता अध्ययन कराते हैं। वे हैं, एक, तकनीकी व्यवहार्यता। वो जांच करता है कि क्या विचार तकनीकी रूप से व्यवहार्य है या नहीं। वो प्रौद्योगिकी या कच्चे माल की उपलब्धता पता लगाता है। दो, वित्तीय व्यवहार्यता। इससे प्रवर्तकों को अपनी परियोजना के लिए धन की सटीक आवश्यकता जानना संभव होता है, जिसके आधार पर वे अपने व्यावसायिक विचार के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। तीन, आर्थिक व्यवहार्यता। तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने के बावजूद कभी कभी उस विचार से लाभ नहीं भी हो सकता। ये अध्ययन प्रवर्तकों के लिए उस हिस्से की पहचान करता है। प्रवर्तकों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इन अध्ययनों के परिणाम सकारात्मक होने चाहिए। नाम का अनुमोदन। कंपनी को एक नाम दिया जाना होता है। उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार को तीन नाम दिए जाने होते हैं जहां कंपनी स्थित होगी। नाम केवल तभी स्वीकृत किया जाएगा जब कोई अन्य कंपनी इसका उपयोग नहीं कर रही होगी। संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ता नियत करना। प्रवर्तकों को ये तय करना होता है कि संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर कौन करेगा। जो लोग हस्ताक्षर करेंगे वे निदेशक बन जाएंगे और कंपनी में शेयर लेंगे। पेशेवरों की नियुक्ति। कंपनी रजिस्ट्रार को प्रवर्तकों का विवरण जमा करने के लिए लेखा परीक्षक, व्यापारिक बैंकर जैसे पेशेवर नियुक्त किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी। प्रवर्तकों का अंतिम कार्य आवश्यक कानूनी रूप से अनिवार्य दस्तावेज तैयार करना है। कंपनी के पंजीकरण के लिए इन्हें कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज। कंपनी को पंजीकृत करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा कंपनियों के रजिस्ट्रार को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। संस्थापन विलेख। कंपनी के उद्देश्यों को इस दस्तावेज में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित ज्ञापन के कुछ खंड हैं।
नाम खंड कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित नाम इस खंड में प्रस्तुत किया जाता है। पंजीकृत कार्यालय खंड इस खंड में वो राज्य जहां कंपनी का कार्यालय पंजीकृत होता है उसका सटीक पता उल्लिखित होता है। उद्देश्य खंड कंपनी की गतिविधियां इस खंड में उल्लिखित उद्देश्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है। दायित्व खंड ये खंड प्रवर्तकों का दायित्व शेयरों पर अदत्त राशि तक सीमित करता है। पूंजी खंड ये खंड वो अधिकतम पूंजी निर्धारित करता है जो कंपनी शेयर जारी करके जुटा सकती है। अधिकृत पूंजी और शेयरों के अंकित मूल्य का उल्लेख इसमें किया जाता है। निजी कंपनी के मामले में दो व्यक्तियों और सार्वजनिक कंपनी के मामले में सात व्यक्तियों द्वारा संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किया जाना होता है। अंतर्नियम इस दस्तावेज में आंतरिक रूप से कंपनी का प्रबंधन करने के नियम शामिल होते हैं। प्रस्तावित निदेशकों की सहमति संस्थापन प्रलेख में उल्लिखित निदेशकों को औपचारिक रूप से लिखित सहमति देने की आवश्यकता होती है कि वे संस्थापन प्रलेख के अनुसार कार्य करेंगे। समझौता इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है यदि कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने की इच्छुक होती है। इसे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। वैधानिक घोषणा ये दस्तावेज प्रवर्तकों द्वारा कंपनी अधिनियम की अनुपालन की घोषणा करता है। शुल्क भुगतान की रसीद कंपनी के लिए अधिकृत शेयर पूंजी के आधार पर पंजीकरण के लिए उचित भुगतान करना होता है। समामेलन प्रवर्तक की स्थिति समामेलन कंपनी निर्माण का दूसरा चरण है। कंपनी के समामेलन से पहले प्रवर्तक किसी भी अनुबंध को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिससे वे सहमत होते हैं, लेकिन वे कंपनी के ट्रस्टी या एजेंट नहीं होते हैं। कंपनी के साथ उनकी स्थिति न्यासीय होती है और उजागर नहीं किया गया मुनाफा नहीं बना सकते हैं। अगर वे ऐसा कोई लाभ लेते हैं तो कंपनी उन पर कार्रवाई कर सकती है। प्रवर्तक कंपनी का प्रवर्तन करने में किए गए खर्चों का दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि कंपनी बाद में उनके प्रयासों के लिए उन्हें भुगतान कर सकती है। साथ ही वे कंपनी के शेयरों और ऋण पत्रों के लिए पात्र होते हैं। समामेलन कंपनी का समामेलन करने के लिए इसके लिए आवेदन कंपनियों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। पहले ही उल्लेख किए गए दस्तावेज इसके साथ संलग्न होने चाहिए। संस्थापन विलेख अंतर्नियम इत्यादि दस्तावेजों की जांच करने के बाद रजिस्ट्रार के संतुष्ट होने पर समामेलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रकार कंपनी का जन्म होता है। निवेश प्रमाण पत्र का प्रभाव समामेलन प्रमाण पत्र की तिथि कंपनी का जन्मदिन होती है। ये प्रमाण पत्र कंपनी को एक कानूनी इकाई बनाता है। रजिस्ट्रार पूरी तरह से जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी करता है। प्रमाण पत्र जारी होने के साथ कंपनी अब तत्काल प्रभाव से अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। ये व्यवसाय
गतिविधियों के लिए धन जुटा सकती है, लोगों को नियोजित कर और संचालन शुरू कर सकती है। प्रमाण पत्र के माध्यम से कंपनी वैध अनुबंध कर सकती है जो इसे कानूनी अस्तित्व देता है। पूंजी अभिदान। आम जनता से पूंजी जुटाने के लिए कंपनी द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी होती हैं। निम्नलिखित इसके बारे में बताता है। सेबी की स्वीकृति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी भारत का सर्वोच्च नियामकीय प्राधिकरण है। ये निवेशकों की सुरक्षा के लिए जानकारी उजागर करने के दिशा निर्देश देता है। आम जनता से धन जुटाने की इच्छा रखने वाली सार्वजनिक कंपनी को इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रविवरण जमा करना। शेयर और ऋण पत्र बेचकर आम जनता से धन जुटाने की इच्छा रखने वाली कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण पत्र जमा करना होता है। ये वो दस्तावेज है जो शेयर खरीदारों के लिए या तो एक विज्ञापन या आमंत्रण होता है। इस दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी ही निवेशकों को कंपनी की ओर आकर्षित करती है। बैंकर, ब्रोकर और अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति। जनता से धन जुटाने की विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कंपनी के बैंकर जुटाया गया धन प्राप्त करते हैं, ब्रोकर जनता को शेयर बेचते हैं। अगर कंपनी को लगता है कि जनता की रुचि अधिक नहीं है तो वो जनता द्वारा नहीं खरीदे गए शेयरों को खरीदने के लिए अभिगोपनकर्ताओं की सेवाएं लेती है। न्यूनतम अभिदान। ये जारी किए गए कुल शेयरों में से खरीदे गए शेयरों की न्यूनतम संख्या है। अगर समग्र खरीद इससे कम होती है तो ग्राहकों को पैसा वापस करना पड़ता है। सेबी के अनुसार शेयर जारी करने के लिए न्यूनतम खरीद शेयरों का 90% है। स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन। कंपनी को अपने शेयर या ऋण पत्र संभालने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना होता है। ये आवेदन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 10 सप्ताह के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए, नहीं तो कंपनी को आवेदकों को धन वापस करना पड़ता है। शेयरों का आवंटन। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त धन शेयर आवंटित होने तक बैंक खाते में रखा जाना चाहिए। सफल आवेदकों को निदेशक या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आवंटन पत्र प्राप्त होता है। आवेदक को कम शेयर आवंटित होने या आवेदक के लिए कोई शेयर उपलब्ध न होने जैसी विसंगतियों के मामले में उन्हें पैसा वापस कर दिया जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यवसाय की बढ़ती जटिलता से निपटने के लिए उचित संगठन की आवश्यकता होती है। कंपनी निर्माण से ये आवश्यकता पूरी होती है। कंपनी निर्माण में 3 चरण शामिल हैं। 1 कंपनी का प्रवर्तन, 2 कंपनी का समामेलन और 3 पूंजी अभिदान। कंपनी का प्रवर्तन। इस चरण में कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा व्यावसायिक विचार को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। कंपनी का प्रवर्तन करने के लिए उन्हें विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। वे इस प्रकार हैं: व्यावसायिक अवसर की पहचान, व्यवहार्यता अध्ययन, नाम का अनुमोदन,
संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ता नियत करना, पेशेवरों की नियुक्ति, आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी। कंपनी के प्रवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं संस्थापन प्रलेख, अंतर्नियम, प्रस्तावित निदेशकों की सहमति, समझौता, वैधानिक घोषणा, भुगतान शुल्क की रसीद। उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास ये दस्तावेज जमा किए जाते हैं जहां कंपनी का कार्यालय स्थित होता है। दूसरा चरण कंपनी का समामेलन है। इसमें कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा सावधानीपूर्वक दस्तावेजों की जांच और कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र आवंटित करना शामिल है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद कंपनी तुरंत अपना परिचालन शुरू कर सकती है। इससे कंपनी कानूनी व्यावसायिक इकाई बन जाती है। पूंजी अभिदान तीसरा चरण है। इस चरण में कंपनी शेयरों की खरीद का प्रस्ताव देकर जनता से अपना कारोबार चलाने के लिए धन जुटा सकती है। शेयर खरीद का प्रस्ताव करते समय कई चरणों का पालन किया जाना होता है।